नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टेक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज गेट नंबर 2 College Pada, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार। जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। लगातार भारी बारिश के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 10-29 माइल हाईवे पर यातायात बाधित। सिक्किम कालिंपोंग विभिन्न क्षेत्रों से संपर्क टूटा। पहाड़ पर लगातार हो रही भारी बारिश के कारण भूस्खलन शुरू हो गया है। पहाड़ के सभी रास्ते कीचड़ से ढक गए और हाईवे पर यातायात काफी असुविधा हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 अंतर्गत 29 माइल हाईवे पर यातायात भारी बारिश के कारण बाधित हो गया है। कल रात से हुई बारिश के कारण पहाड़ों में हुए भूस्खलन और गीली मिट्टी सड़कों पर जमा हो गई है, जिसके कारण सिक्किम कालिंपोंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों का संपर्क टूट गया है। रात में हुई तेज बारिश के बाद परेशानी और अधिक बढ़ गई है। इस बीच प्रशासन राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। तृणमूल कांग्रेस जिला स्तर पर करेगी संगठनात्मक फेरबदल। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ की बैठक। तृणमूल कांग्रेस के अगले सप्ताह जिला स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल हो सकता है। इससे पहले पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर जाकर उनके साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव तथा 2026 के विधानसभा चुनाव के प्रबंधन की जिम्मेदारी प्रशांत किशोर को दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले महीने ही एक व्यक्ति एक पद के नियम की घोषणा कर चुकी है। किसी भी मंत्री को जिलाध्यक्ष या पार्टी के किसी अन्य संगठनात्मक पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। वहीं तृणमूल महासचिव पार्थ चैटर्जी ने कहा कि यह नियम जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक प्रभावी रहेगा। नए नियमों के चलते ममता को कम से कम 4 जिलों के जिलाध्यक्ष बदलने पड़ेंगे या फिर मंत्रिमंडल में बदलाव करना होगा। उत्तर 24 परगना के अध्यक्ष ज्योतिप्रिय मलिक वर्तमान में वन मंत्री है। माथाभंगा में फिर से सामने राजनीतिक हिंसा। तृणमूल कांग्रेस पर लगा भाजपा के बूथ सभापति के घर पर हमला करने का आरोप। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में हिंसा का मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि इसके बावजूद भी राजनीतिक हिंसा की घटना सामने आ रही है। इसी कड़ी में माथाभंगा एक नंबर ब्लॉक नारहाट ग्राम पंचायत के पानीग्राम इलाका संलग्न बागनबारी इलाके में बीजेपी बूथ सभापति विपिन बर्मन के घर पर हमला करने का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा है। विपिन बर्मन का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उनके घर पर हमला बोलकर घर के दीवार और घर में रखी सामग्रियों में तोड़फोड़ की, साथ ही घर में लूटपाट की गई। बीजेपी 10 नंबर मंडल सदस्य सुदीप दास ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के असामाजिक तत्वों ने विपिन बर्मन के घर पर हमला बोल दिया था और जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट किया गया। इसके संबंध में माथाभंगा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। আজকে বিপিন বর্মন আমাদের ওই বুথের সভাপতি এবং 10 নং মণ্ডলের মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা জয়া বর্মন ওনার বাড়ি যেভাবে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা ভাঙচুর করেছে তাতে করে আমরা দেখতেছি ভোট পরবর্তী হিংসা এখনো অব্যাহত। এরকম প্রত্যেকটা বিজেপি কর্মী আমাদের আতঙ্কে রয়েছে। তৃণমূলের যেভাবে গুন্ডা বাহিনীরা প্রত্যেকটা বিজেপি কর্মীর বাড়িতে যাচ্ছে এবং প্রতিনিয়ত ধমকানি থেকে শুরু করে আর্থিক একটা চাপ, যদি বা আর্থিক দিতে না পারে তাহলে জোর জবর তৃণমূলে যোগদান করাচ্ছে। এভাবেই আজকে বিপিন বর্মনের মতো লোক একজন ভারতীয় জনতা পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী তৎসঙ্গের সভাপতি ওনাকে এখন পর্যন্ত তৃণমূল হেলাতে পারেনি, তার জন্য আর্থিকভাবে ওনাকে একটা চাপ দিয়েছে, ওনার কাছে একটা জরিমানা চেয়েছে, উনি দিতে অস্বীকার করায় আজকে তার বাড়িটা ভাঙচুর। ভোট পরবর্তী থেকে আজ অবধি কোনো বিজেপি কর্মী কোনো তৃণমূল কর্মীকে মারধর করেনি। গ্রাম বাংলার প্রত্যেকটা মানুষ প্রতিনিয়ত দেখছে কীভাবে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রান্ত করছে। আজকে যারা বিজেপি করছে তারা বাড়িতে থাকতে পারছে না, হাট বাজারে যেতে পারছে না। এটা কি পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র? আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি, আমরা পশ্চিমবঙ্গের এই গণতন্ত্রকে ঘৃণা করি। আমরা চাই রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা হবে, কিন্তু কোনো কাউকে বিজেপি কর্মীদেরকে ওরা যেভাবে প্রতিনিয়ত অত্যাচার করছে, প্রতিনিয়ত চাপ দিচ্ছে, এটা আমরা মানি না। আর আমাদের পক্ষ থেকে কোনো তৃণমূল কর্মীদেরকে মারধর করা হয়নি। একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি,
যে যেভাবে তৃণমূল অত্যাচার করছে, এই অত্যাচারের যদি সীমা শেষ না হয় তাহলে আগামী দিনে আমরা যতটা সম্ভব ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা রুখে দাঁড়ানোর চেষ্টা করব। বিজেপি যে অভিযোগ করছে, বিজেপি মানে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বিজেপির ওপর আক্রমণ করছে, বাইক উঠিয়ে নিয়ে এসে বাড়িঘর ভাঙচুর করছে, এগুলো টোটালটাই হচ্ছে বিজেপির তাদের গোছানো কথা। তারা এই মুহূর্তে চাইছে যে মানুষের কাছে, মাথাভাঙা বিধানসভার মানুষের কাছে কীভাবে তারা সিম্পেথি গ্রহণ করবে। তার কারণ হচ্ছে যেহেতু তারা মাথাভাঙা বিধানসভায় মানে বেশি সংখ্যক না হলেও অল্প সংখ্যায় যেহেতু তারা জিততে পেরেছে এবং এই জেতাকে কীভাবে মানুষের কাছে আরও তারা সিম্পেথি গ্রহণ করতে পারবে, সেই আবেদনটা নিয়েই তারা মানুষের কাছে গিয়ে তারা তৃণমূল কংগ্রেসের উপর দোষ চাপানোর চেষ্টা করছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা নাকি বিজেপির কর্মীদের বাড়িঘর ভাঙচুর করছে। আশ্চর্যজনকভাবে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি যে কিছুদিন আগে কুচবিহার জেলায় নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন পদাধিকার তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিধানসভা 2021 বিধানসভা নির্বাচনের পরে আবার মাথাভাঙা বিধানসভা ছাটকাটের বাড়ি এলাকায় বহু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর উপর আক্রমণ হয়েছে, তাদেরকে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে কুচবিহার এমজিএন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল, অনেক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছিল। কোথায় নির্বাচন কমিশনের কোনো লোক তো সেই তৃণমূল কংগ্রেসের বাইরে তারা কোনো যাচ্ছেন না। তাহলে বিজেপি তারা নিজেরা নিজেদের ভিতরেই তারা গোষ্ঠী কন্দল করে তারা বাড়িঘর ভাঙচুর করছে, তারা বিভিন্ন রকম তৈরি করছে এবং তারা বিজেপির নেতৃত্বতে জানাচ্ছে যে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা নাকি বিজেপির ঘর ভাঙচুর করছে এবং সেই খবর বিজেপি মারফত তারা নির্বাচন কমিশনে জানাচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশনের লোক শুধু পার্টিকুলার বিজেপির লোকদের বাড়িতে এসে তারা দেখছে এবং দেখে তারা একটা রিপোর্ট তৈরি করার চেষ্টা করছে এবং পশ্চিমবঙ্গকে একটা চাপে রাখার সৃষ্টি করছে। अलीपुरद्वार जिले में नकली आधार कार्ड तैयार करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर अलीपुरद्वार जंक्शन थाने की पुलिस द्वारा अलीपुरद्वार जंक्शन इलाके में स्थित एक कैफे में अभियान चलाया गया था, जहां से एक व्यक्ति को जाली आधार कार्ड तैयार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आधार कार्ड चेक करने में उपयोग किए जाने वाली कुछ सामग्रियां जैसे कंप्यूटर प्रिंटर आदि भी जब्त कर ली गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन কর রহি হ্যাঁ আমরা দেখলাম যে একটা পুলিশের গাড়ি আসলো, পুলিশ বাইর হইলো, তখন তো আমি দোকানে কাজই করতেছিলাম, জাস্ট এইটুকুই জানি, ওইখানে ভিড় ভাড় হয়ে গেছে, না সেটাও দেখিনি। রায়গঞ্জ মে মোবাইল দোকান মে হুই লাখো কি চোরি, যাঁচ মে জুটি পুলিশ। রায়গঞ্জ মে পিছলে কুছ দিনো সে চোরি কি ঘটনাও মে কাফি বড়োত্তরি হুই হ্যায়। इस बीच रायगंज शहर के देवीनगर और श्यामपुर इलाके में चोरी की दो घटनाएं सामने आई है, जिससे व्यवसायियों में काफी आतंक देखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार रायगंज शहर के देवीनगर इलाके में एक मोबाइल दुकान में चोरी हो गई। चोरों ने दुकान के शटर तोड़कर लाखों के मोबाइल और अन्य सामग्रियां लेकर फरार हो गए। पुलिस को इस घटना की खबर दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। दूसरी ओर श्यामपुर इलाके में भी एक दुकान में चोरी की घटना सामने आई। देवीनगर इलाके में मोबाइल दुकान के मालिक सुजय दास ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज को देखने में पता चलता है कि चोर करीबन रविवार तड़के सुबह 3 बजे घुसे थे और चोरी करने के बाद फरार हो गए। पुलिस भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारे दुकाने भोरवाला आज के चोरी हुए थे, शटर भी कुछ छोटो स्मार्टफोन छो और बोतम फोन जा सब আর কিছু ক্যাশ ছিল ঘরে, সেগুলো সবই নিয়ে নিয়েছে। মানে আমি ওইভাবে হিসাব করতে পারিনি, কিন্তু যা দেখলাম হিসাব করে এখনও পর্যন্ত 1,20,000-30,000 মালপত্র নেই ক্যাশ সহ। আমি সকাল 6টার সময় দেখেছি আমার দোকানে শাটার ভাঙা। হ্যাঁ, পুলিশকে জানিয়েছি আমি, পুলিশ একটু সময় লাগবে আসতে, শ্যামপুরে একটা চুরি হয়েছে, ওখানে তদন্ত করছে, তারপরে আসবে। আমার তো মনে হয় বেকারত্ব বেশি আর নেশাগ্রস্ত যে লোকজন আছে তাদেরই কাজ এগুলো। আমি তদন্ত করাতে চাই পুলিশকে দিয়ে, আমাকে যেন সরকার থেকে কিছু সাহায্য করে, যেন আমি দোকানটা পুনরায় করতে পারি সেটার জন্য, আর যেন ভবিষ্যতে এরকম কারো দোকানে না হয় সেটার জন্য পুলিশকে আবেদন করবো, যেন ভালো মতো করা নিয়ে তাদেরকে তো অবশ্যই ধরতে হবে, সেই তদন্তটাই তো করাবো। যত ক্যামেরা আছে রায়গঞ্জে, সরকারি ক্যামেরা আছে, যেন অবশ্যই দেখে। আমি তো টাইমটা বলে দিচ্ছি, গত 3:30 নাগাদ হয়েছে। লেতে ছোটা সা ব্রেক, ফির মিলেঙ্গে ব্রেক কে বাদ। কক্ষা 10ভি আর 12ভি কে বচ্চো কে লিয়ে হ্যায় সুনহেরা মৌকা। 10ভি কে বচ্চো কে লিয়ে হ্যায় প্যারামেডিকেল কোর্স আর 12ভি কে লিয়ে হ্যায় মেডিকেল কোর্স। কিফায়তি ফিস আর ব্যাংক কি সুবিধা কে সাথ বিভিন্ন ডিগ্রি ডিপ্লোমা হ্যায় উপলব্ধ। সবি স্ট্রিম কে বচ্চো কে লিয়ে খুলি হ্যায় AICTE, KNC, PCI দ্বারা অনুমোদিত ভারত সরকার আর রাজ্য সংকায় বেঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় কে তহত PCI নই দিল্লি ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में
प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। आर यू इन एन इमोशनल पेन? डू यू फील ओवरवेल्म्ड एंड पैनिक? इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ सच प्रॉब्लम्स, देन योर वरी एंड्स हियर। लेट्स हील। प्रमोटिंग हील्ड एंड एम्पावर्ड लाइफ इज हियर to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address: City Center Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. The vayon se chutkara alkaline pani ka sahara. पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जिप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए टिप्स निमोल। आर यू ड्रीमिंग टू वेक अप अंडर द कामिंग टर्किश स्काइज? मेक इट अ रियलिटी एंड ब्रिंग होम द टर्किश कलेक्शन फ्रॉम रॉयल ओक। जस्ट अ क्लिक अवे, इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। 50-70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल सेवक रोड, सिलीगुड़ी। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3 करोड़ के पार। 24 घंटों में सामने आए 41,463 नए मामले, 898 लोगों ने गवाई अपनी जान। देश में शनिवार को कोरोना वायरस के 41,463 नए मामले सामने आए। इस दौरान 24 घंटों में 41,463 मरीजों ने महामारी को मात दी, जबकि 898 लोगों की बीते दिन संक्रमण की वजह से मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 908 की कमी आई। रिकवरी की बात करें तो पिछले कई दिनों से कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या नए संक्रमितों से ज्यादा आ रही है। रोजाना औसतन 40,000 लोग ठीक हो रहे हैं। रविवार को ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच गया। देश में अब तक 4.08 लाख लोगों की मौत हुई है और अभी भी 4.48 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के बीच चल रहे आपसी घमासान के बीच जेपी नड्डा ने दिलीप घोष को दिल्ली बुलाया, आज होगी बैठक। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के भीतर आपसी रंजिश और मतभेदों के बीच भगवा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष को राष्ट्रीय राजधानी में
रविवार की सुबह होने वाली बैठक के लिए बुलाया है। हालांकि घोष इस मामले पर बोलने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन भाजपा के एक सूत्र ने कहा कि वहां शनिवार देर रात को दिल्ली पहुंच गए। इस साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद राज्य में भाजपा के भीतर असंतोष की आवाज तेज हो गई है। यह न केवल मुकुल रॉय के मामले में सच है, बल्कि जो पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौट गए उनके लिए भी ऐसे ही उदाहरण है। जब पार्टी के कई नेताओं मुख्य रूप से तृणमूल से भाजपा में आने वाले लोगों ने पार्टी के खिलाफ खुलकर बात की है, ऐसे में घोष का दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि घोष ने बैठक के बारे में बोलने से इनकार किया, लेकिन पार्टी के सूत्रों ने संकेत दिया है कि बैठक इस बात का संकेत है कि राज्य भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में कई बदलाव हो सकते हैं। मारवाड़ी युवा मंच, सिलीगुड़ी प्रोफेशनल शाखा और अन्य संगठनों की ओर से किया गया टीकाकरण शिविर का आयोजन, 600 लोगों ने लगवाई वैक्सीन। मारवाड़ी युवा मंच, सिलीगुड़ी प्रोफेशनल शाखा और सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से नॉर्थ मेडिका क्लिनिक के सहयोग से रविवार को सिलीगुड़ी शहर के MG रोड कालपड़ा सुरताराम नागपुरिया भवन में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में 600 लोगों को टीका लगाया गया। यहां एक पेड टीकाकरण शिविर था जिसमें लोगों ने इसके लिए चार्ज दिया गया। इस अवसर पर मारवाड़ी मंच प्रोफेशनल शाखा के अध्यक्ष संदीप घोषाल, रंजन सरकार, सचिव संजय शर्मा, नितिन गुप्ता, करण सिंह जैन, गौरी शंकर गोयल आदि, आनंद अग्रवाल सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। भारतीय मूल की तीसरी महिला सरिषा बंदला आज भरेंगी अंतरिक्ष के लिए उड़ान। आज धरती से 3,00,000 फीट ऊपर उड़ान भरेंगी, होंगी स्पेस जाने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला। ब्रिटिश कारोबारी रिचर्ड ब्रांसन रविवार को अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे। अगर यह उड़ान कामयाब रही तो उनकी कंपनी वर्जिन अंतरिक्ष के लिए कमर्शियल टूर शुरू करने की ओर सबसे बड़ा पड़ाव पार कर लेगी। रिचर्ड बतौर मिशन स्पेशलिस्ट स्पेसशिप 2 यूनिटी से जुड़ेंगे। उनके साथ भारत की बेटी सरिषा बंदला समेत 5 और लोग उड़ान भरेंगे। सरिषा इस मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला के बाद भारत में जन्मी दूसरी महिला बन जाएगी। 34 साल की सरिषा एरोनॉटिकल इंजीनियर है। विधान परिषद का विरोध करेगा वाम मोर्चा, ये बातें कही है सूर्यकांत मिश्रा ने। सेस हटाकर पेट्रोल के दाम कम कर सकती है राज्य सरकार। वाम मोर्चा नेता सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधान परिषद बनाने को लेकर काफी बेताब दिख रही है। अलीपुरद्वार जिले में शनिवार को संवाददाताओं से बातचीत में मिश्रा ने कहा कि पेट्रोल उत्पादकों की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ राज्य में तृणमूल का विरोध जारी है, पर राज्य सरकार पेट्रोल उत्पादकों की कीमतों में सेस की छूट देकर इसकी कीमत कम कर सकती है, जो राज्य की तृणमूल सरकार नहीं कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा वाम मोर्चा विधान परिषद के गठन का विरोध करता है। सूर्यकांत मिश्रा ने कहा वाम मोर्चा आसन्न निकाय चुनाव में भाजपा तृणमूल विपक्षी गठबंधन बनाने पर जोर दे रहा है। जिला वाम मोर्चा को तृणमूल और भाजपा का विरोध करने वाली अन्य सभी ताकतों को एकजुट करने की जिम्मेदारी दी गई है। दायित्व प्रदान केंद्रीय नीति जन्य पेट्रोल রাজ্য সব ঠিক করেন, রাজ্য যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে শেষ ছাড় দিতে পারে, যেটা আমরা সরকার কমেন্ট করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে ঠিক আছে, আমাদের ক্ষমতা আছে, তখন তো ভাট হয়নি, তো আমরা আমাদের যেটা পাওনা শেষ আমরা ছাড় দিয়েছিলাম 150 কোটি টাকার এক সময় দিয়েছিলাম। তারপরে যাই হোক, আমরা বিভিন্ন সরকারের কথা বলছি না, কিন্তু রাজ্য সরকার পারে এখানে একটা কি বিধান পরিষদ বিল্ডিং করার জন্যে, যেটা ইতিহাসে কি বলে বিলুপ্ত প্রজাতি হয়ে গেছে, এখন 6টা রাজ্যে আছে বোধ হয়, আর সেগুলো কবে তুলবে জানি না। আমরা তো এখানে কবে সেই দ্বিতীয় গম যুক্তফ্রন্টের আমলে আমরা এই বিধান পরিষদ সর্বসম্মতভাবে আমাদের যুক্তফ্রন্টের থেকে তখন যিনি মুখ্য সচেতক ছিলেন চিফুই, তিনি তুললেন, তার বিরোধীরা সমর্থন করল, সিদ্ধার্থ রায় তখন বিরোধী পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে পাস করে দিয়েছিলাম, আমি তুলে দিয়েছিলাম যে একটা সেত হস্তি তৈরি করছেন, আপনি লোকের উপরে বোঝা পড়বে, কোনো দরকার নেই, কোনো কার্যকারিতা নেই, এটা রাজ্যসভার সঙ্গে তুলনীয় ব্যাপার না। রাজ্যসভার যা ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা বিধান পরিষদের নেই, এই লোক ঢোকাবার জন্য যারা হেরে গেছে অন্য পার্টি থেকে আসছে তাদের ঢুকে ফুকে আরেকজনকে একটা দান করবে, এসব আছে। তো আপনি শেষ ছাড় দিতে পারছেন না কেন? আপনি বাস ছাড় চলবে কি না সেটার ব্যাপার সমাধান করতে পারছেন না কেন? আপনি বাস মালিকদের সঙ্গে সমস্যা মেটাচ্ছেন না কেন? আপনি সরকারি বাস যেগুলো চলছে সেগুলো যাতে একটু ঠাকাকাশি না হয় এত সব বেশি চালাচ্ছেন না কেন ইত্যাদি,
অনেকগুলো কথা আপনি করতে পারেন, অনেক সমস্যা আমাদের আছে। আজকে লিয়ে বাস ইতনা হি, তমাম খবরগুলি দেখতে রহিয়ে এসকে লাইভ, আপকা সময় আপকি খবর, ধন্যবাদ।